बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साइंस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सब स्टूडेंट्स को बता दूं कि जितना भी हमारा वर्क होता है एक वीक में, तो जब भी संडे आएगा तो संडे को आप लोगों ने उस प्रीवियस वर्क की कंप्लीट एक रिवीजन लाजमी करनी है। रिवीजन लाजमी करनी है, यानी जितने भी हम एक हफ्ते में पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, ये लाजमी किया करें जो रिवीजन है। यानी अभी आज तक हमने जितना पढ़ा हुआ है वो आप लोगों ने कल रिवाइज करना है, यानी आज के दिन और कल के दिन दो दिन आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन करनी है, ताकि हम फिर मंडे से बिल्कुल न्यू स्टार्ट ले रहे, ठीक है, मंडे से हम फिर न्यू चीजें पढ़े। ओके, सो लेट्स टेक ए स्टार्ट। साइंस में आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है, 1 week 1 chapter, क्योंकि इनिशियल स्टार्ट है तो मैं इसलिए थोड़ा सा कम कम भी पढ़ाता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। तो आप लोगों ने उम्मीद है चैप्टर याद किया होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ रहता है तो वो आज लाजमी स्टडी कर लेना, मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज में आप लोगों ने ब्लैंक्स और एमसीक्यूज किए होंगे, जिन जिन ने किए हैं वो अपने हैंड रेस करें प्लीज। जी मोहम्मद अनस आ जाए माइक पे। जी अनस बोले, हेलो करें जरा। जी हसन कंबो आ जाए बेटा माइक पे। यस सर। जी हसन आप मुझे ब्लैंक सारे बता दे शाबाश, आपने कैसे कैसे किए सर? नंबर 1 अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज व्हिच वर्क टुगेदर। ओके सर, राइट प्रॉपर टर्म्स वर्ड्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ओके, अ ग्रुप नंबर 1 अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज व्हिच वर्क टुगेदर। ऑर्गन, ऑर्गन पहले वाले का आंसर है ऑर्गन, आगे बताते जाए। नंबर 2 द ब्रेन ऑफ द सेल व्हिच कंट्रोल इट्स फंक्शन। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी सेल का जो कंट्रोल सेंटर है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। An organism consists of several cells, multicellular organism. Okay. Number 4, a group of cells which are similar in structure and function. Tissue. Tissue. जब cells combine हो जाते हैं तो tissue बनता है, ठीक है? जब cells combine हो जाते हैं तो tissue बनता है. आगे चलें. Number 5, outer covering of a plant cell. Cell wall. हाँ, plant cell का outer covering cell wall. एनिमल सेल का आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन। जी नंबर 6, नंबर 6 एन इंस्ट्रूमेंट टू सी थिंग्स व्हिच आर नॉट सीन विद नेक्स्ट आई, माइक्रोस्कोप। हाँ, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको वो चीजें भी दिखा दे जो आप अपने नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, उस चीज को माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। जी क्वेश्चन नंबर 2 बोले आप ही पढ़ ले बेटा। क्वेश्चन 2 शाबाश। यस सर। Circuit the letter of the best answer. यानी इसको MCQs कहते हैं, ठीक है? MCQs. Yes. Number 1, animal cells do not make their own food because they do not have, sir, chloroplast. Chloroplast. Animal cells में chloroplast नहीं होता, okay? Yes. Number 2, the powerhouses of cell are mitochondria. The powerhouse of the cell is called mitochondria. बिल्कुल ठीक है। Number 3, Amir was looking at the cell through a microscope. He saw mitochondria and cell membrane. What would Amir say about the cell? उसने mitochondria और cell membrane दोनों देख लिए। Okay. Number B, it can only be an animal cell.
हाँ, इट कैन ओनली बी अ प्लांट सेल, इट कैन ओनली बी एन एनिमल सेल, इट इज ईदर अ प्लांट आर एनिमल सेल, इट इज नीदर अ प्लांट आर एनिमल सेल। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नहीं, सी आंसर है बेटा, क्योंकि प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि ये प्लांट सेल भी हो सकता है और एनिमल सेल भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, इट इज ईदर अ प्लांट आर एन एनिमल सेल। जी आगे चले पार्ट नंबर फोर पे। नंबर फोर, हार्ट, लीवर एंड एयर्स आर एग्जांपल ऑफ एनिमल ऑर्गन्स। हार्ट, लीवर, ईयर्स आर द एग्जांपल ऑफ एनिमल्स। तो हार्ट जो है ना वो ऑर्गन्स है ना, हार्ट, लीवर, ईयर आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गन्स। ओके, यस सर। जी पार्ट नंबर फाइव, प्लांट्स मेक देयर फूड इन लीव्स एंड इट इज स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स बिकॉज़ दे हैव फ्लोएम टिश्यूज। नहीं, प्लांट्स मेक देयर फूड इन लीव्स एंड स्टोर्ड इन द अदर पार्ट्स बिकॉज़, हाँ, दे हैव फ्लोएम टिश्यूज, क्योंकि लीव्स में फूड बन जाता है, उसके बाद फ्लोएम टिश्यूज का काम है उसको तमाम पार्ट्स तक पहुंचाना। तो प्लांट्स के अंदर फ्लोएम टिश्यूज होते हैं। गुड, एक्सेलेंट, इसका मतलब आप लोगों ने काफी अच्छे किए हैं, वेल डन, माशाल्लाह। ये एक्सरसाइज आज आप लोगों ने पूरा लिखना है और शाम को 6 बजे तक, चलो 6 तक नहीं, शाम को 8 बजे तक आप लोगों ने मुझे सेंड करना है पूरा एक्सरसाइज। एमसीक्यूज और ब्लैंक के सिर्फ आंसर लिख ले, बेशक क्वेश्चन ना लिखे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो आपने आंसर पूरा लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है? और जुबानी लिखना है बेटा, देख कर नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, राइट द पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप। वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी सिर्फ आप लोगों को एक दफा दिखा देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है, ठीक है? अच्छा जी, ऊपर आप आएंगे ना पहले ही पेज पे, ये आपको जो है वो माइक्रोस्कोप नजर आ रहे हैं, ठीक है? पेज नंबर 5 है इस पीडीएफ का, माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप आपने कंप्लीट याद करना है, इसमें कोई चीज नहीं जोड़नी, ठीक है? क्योंकि इसके पहले 3 पैराग्राफ जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप, और 4th पैराग्राफ और 5वें में इसका फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये आपने कंप्लीट करना है माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन। वापस जाए पेज नंबर 14 पे। Describe the parts and function of a light microscope, हो गया। Question number 2, describe the structure of a plant cell, also draw its label diagram। तो आप लोगों ने plant cell जो है वो पढ़ लिया था, animal cell and plant cell। इसमें आपने plant cell का structure बनाना है और नीचे ये जो plant cell के बारे में बातें लिखी है वो भी करनी है, ठीक है? ये वाला ना लिखे, बिल्कुल जिधर ये नीचे लिखा हुआ ना differences, मैं बता देता हूँ कौन सा लिख रही, ये वाला प्लांट सेल, ओके? वो डायग्राम बना दे और ये प्लांट सेल के बारे में ये जो बातें हैं ये लिख ले, ओके? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, न्यूक्लियस लाइज नियर द साइड ऑफ द सेल वॉल बिकॉज ऑफ ए लार्ज वैक्यूल, सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। यही प्लांट सेल के बारे में लिख लिए बस। वापस चलते हैं जनाब पेज नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। तो ऊपर क्वेश्चन है बेटा न्यूक्लियस का, आप वो न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? ये साइटोप्लाज्म है, मेरे ख्याल में इससे नीचे होगा न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस का क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने दोनों पैराग्राफ याद करने हैं, ठीक है? न्यूक्लियस इसी चैप्टर के क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग ये ना समझो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कहाँ से होंगे। राइट अ नोट ऑन शूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट, ये तो अभी आप लोगों को इधर पेज नंबर 11 पे मिल जाएगा, शूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट, शूट सिस्टम, सॉरी नीचे होगा सिस्टम्स में, ये शूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। द पार्ट ऑफ द प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड फॉर्म शूट सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। शूट सिस्टम परफॉर्म मेनी फंक्शन such as movement of water, food making and producing seeds, etc. Okay.
ये जो आखिरी क्वेश्चन है ना, डिफाइन अ सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, आपने पूरे चैप्टर में से यही पांच चीजें ही तो पढ़ी है, यानी हर एक की डिफिनेशन आपने लिखनी है। अब मैं बताऊंगा कि डिफिनेशन कैसे लिखनी है, ठीक है, गौर से देखिएगा जरा। सबसे पहले आपने पहले पेज पे आना है, ये लिखा हुआ है ना सेल्स, तो ये सेल की डिफिनेशन है। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स, बस ये काफी है डिफिनेशन में, ठीक है। दो पॉइंट लिख लो या तीन लिख लो या पूरा पैराग्राफ लिख लो, ये आपकी मर्जी है, बट ये सेल्स वाला हो गया, ठीक है। अब आप नीचे आ जाएंगे तो आपको टिश्यू मिल जाएगा, यहां से आपने टिश्यू का डिफिनेशन लिखना है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स वर्क इन ग्रुप्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज इन देयर बॉडीज, तो बस ये आपने टिश्यू का पैराग्राफ याद करना है, ठीक है। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको ऑर्गन मिलेगा, डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, और बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सच एज हार्ट, लंग्स, आईज, ब्रेन एटसेट्रा, ठीक है। एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टूगेदर, बस ये डिफिनेशन है। बेशक आप एक लाइन का लिखना चाहो तो भी ठीक है, क्योंकि उसमें तो पांच चीजें पूछी है ना, तो आप जरूरी तो नहीं है कि हर एक के ऊपर पैराग्राफ लिखो, बल्कि आप सिर्फ इतना लिख लो ना, एन ऑर्गन इज मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टूगेदर, ऑर्गन डिफरेंट टिश्यूज से बना होता है और वो टिश्यूज मिलके काम कर रहे होते हैं, तो ये आपका ऑर्गन का भी क्लियर हो गया। अब क्या रह गया, ऑर्गन सिस्टम, ये वाला है, एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डू वन आर मोर देन वन स्पेशल फंक्शन। तो बेटा क्या आप लोगों को इस साइंस का एक्सरसाइज समझ आ चुका है? यस सर, यस सर, समझ आ चुके अच्छी तरह से। शाम 8 बजे तक मुझे भिजवा देंगे? यस सर, यस सर। जुबानी लिख के ना जी सर। सर आज ट्यूशन आना? नहीं नहीं आज नहीं आना, बता छुट्टी है। हाँ छुट्टी है सर, मैंने सुबह बुलाया था ना, तुम्हें पता नहीं था, तुम सो रहे थे। अच्छा जी, होगी ये कंप्लीट हो गया आप लोग का टॉपिक। ओके, अब इसी क्लास में मैं आप लोगों को उर्दू वाला भी पढ़ा लेता हूं, ताकि दोबारा ना आना पड़े आप लोगों को। हालांकि कल भी उर्दू पढ़ लिया था, तो इंग्लिश की बारी थी, लेकिन चलो मेरे पास सामने पेज पड़ा है तो ये इनकम्प्लीट है ना, आधा पढ़ लिया था कल, तो आज इसको कंप्लीट। ओ यार नहीं, ये कंप्लीट नहीं है, इसका तो पिक्चर नजर नहीं आ रहा। उर्दू नहीं पढ़ते, इंग्लिश ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू तक हमने पढ़ लिया था, आज हमारा जो नेक्स्ट टेंस है, टेंस नंबर 4, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू तो आज पढ़ा लूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक टेंसेस की वीडियो भी भिजवा दूंगा, जिसमें मैंने 12 के 12 टेंसेस किए हुए हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो है भी, तो वो लिंक मैं भिजवा दूंगा, तो आप लोग 12 के 12 टेंसेस की प्रैक्टिस कर ले वीकेंड पे, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो, क्योंकि मैं तो रफ्ता रफ्ता पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने पहले से कर लिया तो आप लोग के कंसेप्ट मजीद बिल्ट अप होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है जनाब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये टेंस है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पहचान है, रहा है, रहा है भी हो सकता है और ता रहा है भी हो सकता है, या सिर्फ रहा है भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है ना कि इसमें टाइम मेंशन होगा, इसमें क्या मेंशन होगा, इसमें टाइम मेंशन होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे वो 1990 से कराची में रह रहा है, वो 1990 से कराची में रह रहा है, तो he has been living
इन कराची सिंस 1990 सिंस 1990। अब मैंने सिर्फ इस जुमले में आपको पहचान बता दिया कि यार इसमें टाइम मेंशन होगा, जैसे उसको दो दिन से बुखार है तो बेशक आखिर में रहा है आए या ना आए, लेकिन अगर ये टाइम मेंशन हो तो ये आपने पहचानना कि यार ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज बीन हैव बीन। सेंस फॉर के बारे में भी बाद में बताता हूं, पहले ये हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब समझा दो। इसका हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, क्या हो गया लिख क्यों नहीं रहा, हैज बीन और हैव बीन। और इसका जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो वही है जो कंटिन्यू में था, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाना है आपने, ठीक है, लिविंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। जैसे एक बंदा जा रहा है तो गो के साथ आई एन जी लगा ले तो गोइंग हो जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाना है। और सिंस और फार का यूज होगा जो मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा, अभी तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही समझा दिया। क्या आप लोगों को यहां तक समझ आ चुकी है? यस सर समझ आ चुकी है। यस सर, इजी, वेरी इजी। ओके, यस सर। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेंस कहां लगेगा और फॉर कहां लगेगा, ठीक है। देखिए बेटा, अगर फिक्स टाइम आ जाए तो सेंस लगेगा और अगर ड्यूरेशन आ जाए तो फॉर लगेगा। जैसे आ गया ना सेंस 1990 तो आपने सेंस लगा लिया, आ गया सेंस जनवरी 2022 तो आपके पास सेंस आ गया, आपके पास आ गया जी सेंस मार्च, महीने का नाम आ गया, दिन का नाम आ गया, जैसे सेंस मंडे, और आ गया जनाब शाम से वो खेल रहा है तो सेंस इवनिंग। ये देखे, ये सारे के सारे जो टाइम है ना, ये फिक्स टाइम है तो इसलिए सेंस लगेगा। लेकिन अगर वो आपको बोले कि यार वो दो महीने से अपनी स्टडी कर रहा है तो फिर फिक्स टाइम तो नहीं आया ना, टू मंथ्स आ जाए यानी ड्यूरेशन आ जाए तो फिर आपके पास फार लगेगा। या वो 8 सालों से कराची में रह रहा है तो फिर भी आपने फॉर लगाना है, ठीक है। वो कई दिनों से बीमार है तो फॉर सेवरल डेज। सर घंटों के लिए भी लगता है। जी फ्यू आवर्स, 5 घंटों से बीमार है के अंदर तो। जैसे वो 6 आवर्स से स्टडी कर रहा है तो ये सब में फिर फॉर लगेगा। सर जी, सर सिंस के अंदर 2 o'clock 5 o'clock ये भी आ सकते हैं ना? बिल्कुल सारे यार, मैं तो भी सारे नहीं लिख सकता ना यहाँ पे, तो वो तो हजारों अल्फाज है। तो मैंने आपको बता तो दिया कि फिक्स टाइम, यानी उन्होंने टाइम का मेंशन किया है 2 o'clock 3 o'clock 5 o'clock 5 p.m. 6 p.m. 9 p.m. मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे जनवरी फरवरी 1990 सब में सेंस लगेगा। यानी जब आपको उसका नाम मिले ना, जैसे जनवरी एक नाम है तो फिर आपने सेंस लगाना है। लेकिन जब आप उसको ड्यूरेशन मिले ना, 2 महीने से 8 सालों से 5 महीनों से 6 घंटों से कई घंटों से, तो फिर आपने फार लगाना है। अब आप लोगों को सेंस और फार की समझ आ गई है? यस सर, समझ आ गई है। अब मैं आपको yes, दो तीन जुमले करवा देता हूँ। जैसे जरूरी नहीं कि आखिर में रहा है वो, आप लिख सकते हैं लिया, अली कई दिनों से बुखार में मुब्तला है। बस आपने सिर्फ वो देखा ना, आपने सिर्फ क्या देखा, आपने सिर्फ देखा कई दिनों से, अली कई दिनों से बुखार में मुब्तला है तो अली हैज बीन suffering from fever since for few days कई दिनों से। ठीक है जनाब? यस सर। अच्छा जी,
एक और जुमला है, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश, हाँ लेकिन मैं इसको नेगेटिव बना लेता हूँ ना, ताकि आपको नेगेटिव भी समझा दूं। सुबह से बारिश नहीं हो रही है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज नॉट बीन रेनिंग, हैज के बाद आपने नॉट लगाना है, ठीक है, नेगेटिव में हैज और हैव के बाद नॉट लगेगा, ओके। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग तो फिक्स टाइम है इसलिए इसमें भी सिंस आएगा। तो क्या आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी समझ आ गया? Yes, sir. YouTube channel का नाम है Azhan World of Knowledge, okay? Azhan World of Knowledge. उस पे भी काफी ज्यादा कैडेट कॉलेज की वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग की क्लास जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है, तो आप लोग काइंडली पूरे हफ्ते की, अभी आज मैं टास्किंग लिखवाऊंगा नहीं, बल्कि टास्किंग क्या है, एक तो साइंस का जो एक्सरसाइज है वो मुझे शाम 8 बजे तक भेजना है, और दूसरा इस पूरे वीक में हमने जितना काम किया हुआ है, जितनी तस्वीरें मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है, उसकी अच्छी सी रिविजन कर लो, ताकि मंडे को हम स्टार्ट ले लें तो आप लोगों को पिछला सारा काम याद हो। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, मैंने क्या कहा? पिछले साल टाइम था तो मैंने उसमें से कुछ 4-5 वीडियोस ऐड भी किए हैं। ओके थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।